और हमारा जो सैडल स्टे के बीच में गैप है वो कितना गैप आ रहा है बैठा होता है, तो ऐसा मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है। सकता है इंस्टॉलेशन में आपके कोई दिक्कत आ रही, जो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने लेजेंडरी कस्टम का अपना सैडल स्टे जब इंस्टॉल किया था तो मुझे ये बोल्ट Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing good. So, ये वीडियो होने वाली है हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड वीडियो जो है मदन शेट्टी नाम के। उनने एक रिक्वेस्ट करी थी कि उनको ये चीज़ की डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारा लेजेंडरी कस्टम का जो हमने सैडल स्टे लगाया था अपनी बाइक के ऊपर वो शॉकर पे कहीं टच तो नहीं करता है जब आप बाइक राइड करते हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैंने तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं की है कि मेरा जो सैडल स्टे है वो शॉकर पे टच हो रहा है। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए। सो गाइज, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये लेजेंडरी कस्टम का मैंने सैडल स्टे लगा रखा है, आप देख सकते हैं शॉकर और हमारा जो सैडल स्टे के बीच में गैप है वो कितना गैप आ रहा है। सो अगर मैं बाइक राइड करता हूँ सो अगर पीछे कोई पिलियन भी हमारा बैठा होता है तो ऐसा मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि हमारा कोई सैडल स्टे है वो हमारे शॉकर पे टच कर रहा है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए एक उंगली का अच्छा खासा यहाँ पे गैप है जिसकी वजह से आसानी तरीके से मेरा जो सैडल स्टे है वो सैडल हो रखा है। और अगर मैं आपको एक नीचे बोल्ट दिखाता हूँ, आप ये वाला बोल्ट दे सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने लेजेंडरी कस्टम का अपना सैडल स्टे जब इंस्टॉल किया था तो मुझे ये बोल्ट इसके साथ अवेलेबल नहीं हुआ था। सो ये मैंने बाहर से परचेज करके इसमें इंस्टॉल किया था। अगर वाली वीडियो आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वाली वीडियो, वहां पर जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में भी पड़ी है कि मैंने लेजेंडरी कस्टम का सैडल स्टे कैसे इंस्टॉल करा था। सो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सो इसमें मुझे कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है कि हमारा शॉकर लेजेंडरी कस्टम के सैडल स्टे पे टच कर रहा हो। और जो मदन शेट्टी हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के लिए, सो आप कॉमेंट में जाके बता सकते हैं, वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे शॉकर में कहीं भी स्क्रैच नहीं पड़ा है, जिससे मालूम पड़ता है कि मेरा जो सैडल स्टे है वो शॉकर पे टच नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और ये कहीं से भी मेरा जो सैडल स्टे है वो शॉकर पे टच नहीं हो रहा है। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. So, मदन शेट्टी, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मैंने तो फेस नहीं कर रखी है कि मेरा शॉकर पे मेरा सैडल स्टे को टच हो रहा हो। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो सो आप मेरे जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने लेजेंडरी कस्टम का सैडल स्टे को इंस्टॉल किया था। हो सकता है इंस्टॉलेशन में आपके कोई दिक्कत आ रही हो, या तो जिन लोगों ने वो सैडल स्टे को इंस्टॉल किया है वो ढंग से इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं। सो आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं मैंने कैसे वहाँ पर इंस्टॉल किया है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।